हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मछली घर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे मौली फिश के बारे में। दोस्तों मौली फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मछली है और आपने भी मौली फिश एक्वेरियम शॉप में ज़रूर देखी होगी। इनफैक्ट आपने हो सकता है कि अपने शुरुआती दिनों में मौली फिश पाली भी हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मछली घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मौली शौक से पाले जाने वाली एक मछली है। मौली फिश बिगेनर के लिए सही है क्योंकि इनकी देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मौली फिश बहुत वेराइटीज़ और कलर्स में आती हैं। बहुत हद तक चांस है कि ये मौली फिश आपके फेवरेट कलर में भी मिल जाए। यही कारण है कि ये मछली सबको पसंद आती है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों अब बात करते हैं मौली फिश के साइज, नेचर, डाइट और लाइफ स्पैन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं टाइप्स और साइज के बारे में। वैसे तो मौली फिश बहुत प्रकार की होती है लेकिन हमने मोस्ट पॉपुलर 14th मौली फिश को यहाँ पे चुना है। इसमें आपकी सबसे पहले आती है कॉमन ब्लैक मौली, इसका साइज 3 इंच तक होता है। उसके बाद आती है बलून बेली मौली, इसका भी साइज दोस्तों 3 इंच तक होता है। उसके बाद आती है ब्लैक सेल्फाइन मौली, ये दोस्तों 4 इंच तक होती है। लाइट टेल मौली, ये आपकी 3 इंच तक होती है। डायमेंशियन मौली, ये आपकी 4 से 4.5 इंच तक होती है। गोल्ड डस्ट मौली, ये 5 इंच तक हो जाती है। गोल्ड बेडलून मौली, ये 5 इंच तक होती है। रेड सनसेट मौली, वाइल्ड मौली और भी है जिनके फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मौली फिश के नेचर के बारे में। तो दोस्तों मौली फिश वैसे तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है मगर बहुत ज़्यादा क्राउड होने पे ये एग्रेसिव हो जाती है और जब भी इनको ख़तरा महसूस होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। यहाँ दोस्तों डाइट की बात करें तो मौली फिश ओमनिवर्स होती है, यानी कि ये प्लांट्स और इंसेक्ट्स दोनों को खाती है, वर्म्स एट्सेट्रा को खाती है। मौली को हाई क्वालिटी फ्लैक्स और पैलेट्स खिलाएं। आप इन्हें जनरल क्वालिटी के फूड्स जैसे कि ऑप्टिमम भी खिला सकते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो मौली फिश की लाइफ स्पैन 3 से 5 साल तक होती है। दोस्तों यहाँ टैंक साइज की बात करें तो टैंक साइज मिनिमम 10 गैलन यानी कि 30 से 35 लीटर तक होना चाहिए। सेल्फिन फिश के लिए 30 गैलन तक का होना चाहिए और मैक्सिमम तो आप अपने घर के हिसाब से जो भी साइज बनवाएंगे वो ठीक रहेगा। बात करते हैं डिजीज़ की, तो कॉमन मौली डिजीज़ है लीवर डिजीज़ और सीमिस। सीमिस एक तरह का मछलियों को प्रॉब्लम होता है जो कि उनके नर्व से जुड़ा होता है। कलर का लाइट होना, स्पॉट होना फिशेज में, वो ठीक तरीके से तैर ना पाए, ये सब एक नॉर्मल डिजीज़ हैं जो कि पानी की यानी कि वाटर की पुअर क्वालिटी और पुअर कंडीशन होने के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्लीनिंग की, तो दोस्तों यहाँ पे आप प्रॉपर टैंक क्लीनिंग कर सकते हैं 40 to 45 days में। और जब भी अगर आपको अपनी मौली फिश सुस्त दिखे तो आप पानी में सॉल्ट डाल सकते हैं, एंटी इच डाल सकते हैं, ये सब डाल के आप इन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। मेन पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ ब्रीडिंग। जी हाँ, मौली फिश बहुत ही ज़्यादा ब्रीडिंग करती है। ब्रीडिंग मौली फिश की बहुत ही ज़्यादा आसान होती है क्योंकि ये एग्स ना दे करके सीधे बच्चे दे देती है। दोस्तों ये 5 to 6 weeks में मौली बच्चों को जन्म दे देती है। एक बार में ये 60 या 100 या उससे भी ज़्यादा बेबीज़ को जन्म दे सकती है। अगर आपको ब्रीडिंग करवानी है तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि टैंक में फिल्टर ना लगाएं, टैंक में छुपने की प्रॉपर जगह, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्लांट्स होना चाहिए, केव्स वगैरह जो खिलौने आते हैं वो आप डालें क्योंकि मौली, ताकि मौली अपने बच्चों को उसमें छुपा सके क्योंकि दूसरी मौली फिश बच्चों को खा जाती है, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और दोस्तों यहाँ पे जो मेल फीमेल का रेशियो है वो 1:3 का होना चाहिए। हमारे कस्टमर्स का ये सवाल बहुत ही ज़्यादा होता है कि मौली के साथ कौन सी फ़िश रखनी चाहिए, तो मौली के साथ दोस्तों सिल्वर शार्क, रेनबो शार्क, टाइगर बार्ब, डायमेंशन बार्ब, टेट्राज और भी तरह के फिशेज हैं, गप्पी, ये सब आप रख सकते हैं। गोल्ड फिश और एंजल जैसी मछली आपको मौली के साथ नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट कार्प भी आप मौली के साथ ना रखें, बिकॉज ऑफ कार्प मौली को खा जाएगी। और जाने से पहले दोस्तों आज का फैक्ट भी जान लीजिए कि मौली फिश को छोटा एक्वेरियम पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक स्मॉल एक्वेरियम्स। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपने मछली घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, मैं इसी तरीके के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।